हाय गाइस, मेरा नाम मन्नान है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जिनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और वो नेट बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कई सब्सक्राइबर का जो है कमेंट्स आया था कि देखिए, हमने जो है अपना जो नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लिया है, लॉगिन आईडी हमने एक्टिवेट कर लिया है और हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं और हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड हम कैसे इसे क्रिएट करें, कैसे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड जनरेट करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है और ये वीडियो उनके लिए भी है जो अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड भूल गए हैं, उसे रिसेट करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड को जनरेट करने के लिए या ट्रांजेक्शन पासवर्ड को रिसेट करने के लिए, अगर आप भूल गए हैं तो उसे रिसेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सेंट्रल बैंक का जो साइट है यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे दो तरह का अकाउंट है। एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा जो है यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट यानी आपका सेविंग अकाउंट। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप अपने सेविंग अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट यूजर हैं, आपका करेंट अकाउंट है आपका, तो कॉर्पोरेट यूजर पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारा सेविंग अकाउंट में, चलिए हम अपने पर्सनल अकाउंट पे हम क्लिक करके यहाँ पे अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने अकाउंट में जो है लॉगिन हो चुके हैं। तो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइट में जो है आप यहाँ पे देखेंगे, आपको अब यहाँ पे ऑप्शन जो है, जैसे आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको वो सारा जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे साइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा, आपको साइट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन मेन्यू पे आपको जो है क्लिक करना है। तो जैसे आप मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा जो ऑप्शन वो मिल जाता है। नीचे में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन का जो है ऑप्शन होगा, ऑप्शन उसमें लिखा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आपको जो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे सबसे नीचे में देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड जनरेशन, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना होगा। तो जैसे आप ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इस पेज में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी मांगा जा रहा है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना जो आपके जो पासबुक में CIF नंबर होगा, वो CIF नंबर आपको ऊपर में डालना है और नीचे में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देना है। और जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले आपको मोबाइल नंबर से पहले आपको 91 डालना है। 91 डालने के बाद तब आपको मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का, उसके बाद आपको जनरेट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे, साइट में एक छोटा सा पेज खुलेगा। उस पेज में 3 ऑप्शन है, आप इन 3 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने चॉइस के मुताबिक आप अपने इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरह का ऑप्शन है, DSC, डिजिटल सिग्नेचर, OTP, ग्रीट कार्ड। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ग्रीट कार्ड आपको बैंक द्वारा मिलता है। जब आप इंटरनेट बैंकिंग की अप्लाई करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको ग्रीट कार्ड मिलता है। और जब आप फंड ट्रांसफर करेंगे किसी को, तो आपको ग्रीट कार्ड का जो है सीरियल नंबर पूछा जाएगा, तभी आपका फंड ट्रांसफर हो पाएगा। और OTP, मान के चलिए अगर आप OTP को एक्टिवेट करते हैं, तो आपके मोबाइल पर जब आप फंड ट्रांसफर करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, 1-time password। उसे आप जब डालेंगे अपने अकाउंट में, तभी आपका जो पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। ये फर्क है इन दोनों में। ठीक है, तो जैसे हम OTP पे क्लिक करके जैसे हम सबमिट करेंगे, तो उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक 1-time password जाएगा और वो पासवर्ड हमें यहाँ पे 1 मिनट 44 सेकंड के अंदर में यहाँ पे हमें डाल देना है। उसके बाद हमें सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम के कारण हमारा जो ओटीपी हमारे मोबाइल पे काफी लेट से आता है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जब तक हमारा ओटीपी नहीं आता हमारे मोबाइल पर, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और जैसे हमारा ओटीपी आएगा तो हम यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारा ओटीपी आ चुका है हमारे मोबाइल पर, चलिए हम अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे हमने ओटीपी डाल के सबमिट किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, और ये ऑप्शन जो आ चुका है यहाँ पे कि ट्रांजेक्शन ओटीपी यहाँ पे मांगा जा रहा है ऊपर में, और नीचे में हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड और री एंटर न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड हम डालेंगे बना करके अपना मनपसंद, तो उसे हमें दोबारा फिर से डालना है, और सबसे ऊपर में हमें जो ओटीपी डालना है जो हमारे मोबाइल में अभी फिर से दोबारा ओटीपी जाएगा। पहले वाला जो ओटीपी था वो हमारा ओटीपी हमें जो सिलेक्ट करने के लिए ओटीपी दिया गया था। ठीक है, और ये जो अभी ट्रांजेक्शन पासवर्ड का जो ओटीपी होगा ये अलग से होगा, दोबारा फिर से हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड, उसमें उस ओटीपी में लिखा होगा TNX ओटीपी। ठीक है, तो उस ओटीपी को हमें यहाँ ऊपर में डालना है, और नीचे में हमें अपना जो है ट्रांजेक्शन पासवर्ड अपना 8 डिजिट का जो है बनाना है। और ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो हम यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, तो इसमें जो है 8 डिजिट का जो पासवर्ड होगा, इसमें कुछ स्पेशल नंबर और नाम और कुछ मतलब इसका मिक्सिंग कर करके हम इसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये 8 डिजिट का होना चाहिए, इसमें नाम नंबर और जो है स्पेशल नंबर जो है इन तीनों को मिला करके जो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड को जनरेट करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार जरूरी बात और बता दूं कि आप जब भी आपने जो ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड को क्रिएट करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने डायरी में जो है लिख लेना है, क्योंकि अगर आप जब मिस्टेक करेंगे अगर आप डालने में तो आपका फिर ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो है लॉक कर दिया जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप अपने डायरी में लिख लें, और लिखने के बाद आप यहाँ पे इसे जो है अपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करें। और एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है कि आप जब ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो अगर आप कैपिटल लेटर में आप लिख रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर में ही आपको मतलब अपने डायरी में लिखना है, और अगर आप स्मॉल लेटर में आप लिख रहे हैं तो आपको स्मॉल लेटर में ही आपको अपने डायरी में लिखना है। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे बना रहे हैं उसी तरह से आपको अपने डायरी में लिख लेना है। तो जैसे आप सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, और जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये लिखेगा कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है ये सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल बैंकिंग की अगर बेनिफिशिएट करना नहीं जानते तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, और अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है मोबाइल बैंकिंग का तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और मान के चलिए कि अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना है तो उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो नेट बैंकिंग है इसके इंटरनेट बैंकिंग में किस तरह से आप अपने बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और कैसे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।